संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मूली की बेसन वाली सब्जी हरे पत्तों के साथ। हरे पत्तों से इस सब्जी की न्यूट्रिशियस वैल्यू और बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इस हेल्दी मूली की सब्जी के इंग्रेडिएंट्स। और इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। मूली की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, राई, नमक, शुगर ली है मैंने थोड़ी, और हमें लेना है तेल, हींग, बेसन लेना है और मूली और मूली के पत्ते। सबसे पहले हम ये मूली को छील लेते हैं और मूली को और पत्तों को हमें साफ धो लेना है। फ्रेंड्स, ये मूली को मैंने एकदम हल्के हाथों से छील लिया है। ये जो ऊपर का बिटर पार्ट होता है इसको हमने निकाल लिया है। इसी तरह से पत्तों में ये जो मोटी स्टेम है सबको निकाल दिया है। इस तरह से जो एकदम पतली स्टेम होती है ना, जो बहुत टेस्टी होती है, इससे सब्जी बनती है। और इस तरह के मोटे पत्ते हटा देने हैं, ये ग्रीन पत्ते और इस तरह से नाजुक स्टेम, इसको हमें ले लेना है सब्जी के लिए। अब हम मूली को और पत्तों को साफ धो के और बारीक कट कर लेंगे। ये मैंने मूली को इस तरह से बारीक कट कर लिया है और पत्ती भी इसकी बारीक कट कर ली है। फ्रेंड्स, अब सब्जी बनाने के लिए हम पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल में ये मूंगफली का ले रही हूँ। बेसन की सब्जियों में मूंगफली का तेल ही बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है, मूंगफली का तेल ही लेना चाहिए। अब हमारा तेल गरम हो गया है। तेल में हम डाल देते हैं राई 1/2 टीस्पून। राई अच्छी तरह फूट रही है, थोड़ा सा गैस को धीमा कर देंगे और हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हींग। हींग का फ्लेवर बेसन की सब्जी में बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मूली, हम इसमें डाल देते हैं पहले साइड में, क्योंकि तेल का टेम्परेचर हम थोड़ा डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सूखे मसाले, जिससे कि सूखे मसाले जलते नहीं हैं। कभी भी आलू या मूली इस तरह से हम तेल में पहले डाल देते हैं तो राई अच्छी तरह फूट जाती है और सूखे मसाले जलते भी नहीं है। ये हल्दी हम पाउडर हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून, साइड में मैं इधर डाल रही हूँ। और अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर आप आपकी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैं अभी 1 टीस्पून ले रही हूँ। थोड़ा सा प्रोमिनेंट लाल मिर्ची का फ्लेवर भी बेसन की सब्जियों में बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर देते हैं, इस तरह से हम मिक्स करते हैं तो बिल्कुल भी हमारा लाल मिर्च पाउडर जलता नहीं है और हल्दी पाउडर भी जलता नहीं है। और अब हम इसमें बाकी की मूली भी डाल देते हैं और साथ में पत्ते भी हमें अभी इसी समय डालने हैं। इसमें पत्ते भी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे सबको, सब्जी को अच्छी तरह से। ये पत्तों का वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है इसमें। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। नमक डालेंगे। इस सब्जी में पानी डालने की जरूरत नहीं है, मूली में ही पानी छूटता है। और अब हम इसको धीमी आंच पर ढककर पहले इसको पका लेते हैं। मूली को ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। फ्रेंड्स, 4 मिनट होने आ गए हैं। अब हम सब्जी को खोलकर देख लेते हैं। ये मूली को मैंने बारीक तो काटा है पर एकदम पतला पतला नहीं काटा है, जिससे कि इसमें क्रंच अच्छा बना रहे। बहुत ज़्यादा पतले नहीं है मूली, बारीक है पर पतली नहीं है, और इस तरह से क्रंच में बना रहेगा, जिससे सब्जी में अब 3-4 मिनट बाद अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। बेसन हम जितनी हम इसको जितना ड्राई टेक्स्चर देना चाहे उस हिसाब से हमें बेसन डालना है। इस तरह से हमें मिक्स करने के बाद, बेसन मिक्स करने के बाद मूली का सब्जी का टेक्सचर मालूम पड़ता है। थोड़ा सा बेसन मैं और मिक्स कर देती हूँ। जितना हमें लंपी टेक्सचर चाहिए उस हिसाब से हम डाल सकते हैं, जितना ड्राई टेक्सचर चाहिए उस हिसाब से हम बेसन को डाल सकते हैं। और थोड़ा मोटा बेसन हो तो भी स्वाद अच्छा आएगा, उपमे की तरह एकदम इसका टेक्सचर बन जाएगा। खिला खिला आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। लगभग मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच बेसन डाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बेसन मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच शुगर और मिक्स कर रही हूँ।
जो कि ऑप्शनल है, इसका जो थोड़ा सा उग्र फ्लेवर होता है मूली का वो थोड़ा इससे दब जाता है और बहुत ही अच्छा शुगर से सब्जी का स्वाद इन्हेंस होता है। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे और इसको भी हमें बेसन को भी धीमी आंच पर पकाना है। फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बेसन वाली सब्जी है, हमें इसको ऐसे बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे बेसन जम लग सकता है इसमें। फ्रेंड्स और अब मैं इस सब्जी में थोड़ा सा तेल ऊपर से मिक्स कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, पर अब बेसन वाली सब्जियों में मूंगफली का तेल यदि हम इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हैं तो एक सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और सब्जी ठंडी होने के बाद भी इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट रहता है और साथ में खिला खिला रहता है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनती है सब्जी इस तरह तेल डालने से। फ्रेंड्स मैंने मूली के पराठे की रेसिपी भी यूट्यूब पर अपलोड की है, उसमें भी मैंने इसी तरह से पत्ती का यूज़ किया है, मूली की पत्ती का यूज़ किया है। इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप जरूर वो रेसिपी देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब हमें सब्जी को फिर से 2-3 मिनट के लिए और अच्छी तरह कुक करना है जिससे कि बेसन और मूली अच्छी तरह कुक हो जाएगी। फ्रेंड्स अब 4 मिनट हो गए हैं, हम सब्जी को खोल लेते हैं। बीच में इस सब्जी को बार बार हिलाते रहना है और एकदम धीमी आंच ही रखनी है। हमारी सब्जी अच्छी तरह से कुक हो गई है, अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मूली की बेसन वाली सब्जी हरी पत्तियों के साथ तैयार है। फ्रेंड्स आपको ये मूली की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक जरूर कीजिए इस रेसिपी को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। थैंक्स।